आपको वहां यज्ञ करना चाहिए, कोई भी कम से कम 1,000 10,000 मंत्रों का जप, नहीं ज्यादा 10,000 कर सको तो 1,000, जैसे गायत्री मंत्र हो गया या आपको कोई इष्ट मंत्र हो गया, तो छोटा मंत्र गायत्री मंत्र पढ़ा है तो 1,000 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 10,000 हो तो और अच्छा है। 10,000 जप, घी है, थोड़ा बहुत शुद्ध जो हवन सामग्री होती है, और फिर आहुति देना चाहिए शुद्ध देसी गाय के घी से, ताकि वो वास्तु शुद्ध हो जाए। फिर उसके बाद वो जो भस्म है वो चारों तरफ बिखेर देनी चाहिए, और वहां एक प्रार्थना करनी चाहिए कि इस भूमि में जो भी, जैसे अपन लोग जब षटकर्म करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, अप सर्पद होते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न करता रह नश्यंतु शिवा गया, जो भी इस भूमि में कोई ऐसे भूत प्रेत हो जो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो नष्ट हो जाए, ये भी मंत्र कर सकता है। इसके द्वारा भी जल छिड़कना चाहिए। जब ये मकान बनाते हैं तो उसको किलित भी किया जा सकता है, क्षेत्र किलन बोलते हैं उसको। क्या करना चाहिए कि 10 पीपल की लकड़ी लेकर आना चाहिए, इतनी बड़ी कील होनी चाहिए पीपल की, जैसे कील होती है, उसको आप सुदर्शन मंत्र से अभिमंत्रित कर लो या दिग्बंधन मंत्र से अभिमंत्रित कर लो। चावल लेकर उस पर मंत्र पढ़, दिग्बंधन मंत्र पढ़ते जाओ स्तोत्र, उस पर चावल से उसके ऊपर फेंकते जाओ, कम से कम 11 बार दिग्बंधन सूत्र पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा होता और अच्छा है। उसके बाद उन उन दिशाओं पर जैसे जैसे स्तोत्र का दिशा प्राच्य प्राच्य माने पूर्व दिशा की तरफ, फिर अग्नि दिशा, इस तरह से क्रम से 8 दिशाओं में 8 कील गाड़नी चाहिए, कोने कोने में अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके। या आप लोग भस्म भी लगा सकते, भस्मक भी जैसे हवन आदि करके भस्म भी उसमें अभिमंत्रित करके दिग्बंधन स्तोत्र से वहां डाल सकते हैं। उसके बाद आप शिलान्यास करो, शिलान्यास करने के बाद आप जब घर का निर्माण हो तो वहां पर वास्तु शांति पूर्ण विधि विधान के साथ करो। पुरोहित को कहो भाई पंडित जी ऐसा है कि पुरोहित जी आप जो है 2100 नहीं 5100 ले लेना, लेकिन पूरी विधि विधान से करो, कोई कमी मत छोड़ो आपस में। 8 घंटे से कम नहीं लगता पूजन, मैंने देखा बहुत स्पीड से मंत्र पढ़ के भी देखे मैंने, 4 घंटा 3 साढ़े 3 4 घंटा, और पूरे कलश जितने उसमें मंडल होते, जितने देवता होते हैं वास्तु शांति के, सारे देवताओं का आह्वान, उनका स्थापन, फिर उनका पूजन, फिर उन सबके लिए सभी जितने देवता बुलाए गए उन सभी के फिर आहुति देनी होती है, तो फिर उनका सबका विसर्जन, तब वास्तु शांति होती है। फिर उसके बाद ग्रह प्रवेश करिए, वास्तु शांति के बाद ग्रह प्रवेश तो 4 चीजें होगी, भूमि शोधन, शिलान्यास, वास्तु शांति, फिर ग्रह प्रवेश। वास्तु शांति करके तब ग्रह प्रवेश। घर में एक हवन कर लेना चाहिए, जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, गायत्री मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगे, घर में अधिक से अधिक जप हवन हो और घी की आहुतियां बराबर देते रहे, यज्ञ आदि करते रहे बराबर, उसको शुद्धिकरण होता है। नवरात्रि में कलश आदि की स्थापना करना चाहिए। नया नया मकान है तो कुछ दिन तक वहां पे दीपक जलाकर, एकादश स्थान पर अखंड दीपक 40 दिन तक जलाकर वहां पर हनुमान जी को या जो भी ऐसे देवताओं की वहां स्थापना करनी चाहिए, कहना कि भैया आप हमारे घर के रक्षक बनिए। कोई गणेश जी हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, इन ये जो रक्षक देवता है उनको घर में स्थापित कर देना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि भैया आप स्थापित हो जाइए और हमारे घर की रक्षा करिए। समय समय पर पूजन और उनका भोग देते रहना चाहिए। ये सारी देवीय देवीय चीजें हैं, इतना अगर आप करेंगे तो उसका आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, जैसे यंत्र भी होते हैं, यंत्र भी जैसे लिख के 10 कोने में जैसे कई अलग अलग जगह पे रखे जा सकते हैं, कुछ यंत्र भी होते अलग अलग कमरों में बनाए दिए जाते हैं, नहीं वो यंत्र हो तो कम से कम जो मंत्र होते हैं भगवान के जो मंत्र हैं, इसमें सनातन संस्था ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया इस पर कि मंत्र लिखने से घर में क्या नकारात्मक शक्तियों पर इन्होंने कैसे उसको नष्ट होती है, जैसे दुर्गा जी का मंत्र हो गया, भगवान विष्णु का मंत्र हो गया, तो ऐसे सुंदर हल्दी और घी से मिला, हल्दी कुमकुम और घी को मिलाकर वहां पर मंत्र लिखना चाहिए दीवार पर। ये सारे कर्मकांड बहुत आवश्यक है, ये सब करेंगे तो वास्तु शांति वो कर्म बहुत लाभ होगा आपको।